आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सीएम धामी कहां से लड़ेंगे चुनाव, क्या हो गया है फैसला? सीएम धामी कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाव? जी हां, आपको बता दें कि हो सकता है सीएम धामी चंपावत से ही अपना उपचुनाव लड़ें और इस पर अब पार्टी आलाकमान को फैसला लेना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनकर पुष्कर सिंह धामी भले ही अपनी सीट न बचा सके हों, लेकिन अब उनके सामने कई चुनौतियां हैं और एक चुनौती ये भी है कि उन्हें 6 महीने के अंदर ही विधानसभा का सदस्य बनना है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। चर्चाओं का दौर जारी है। कभी ये चर्चा उठी कि वो डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं, कभी लालकुआ और फिर जांकेश्वर सीट का जिक्र भी सामने आया है। हालांकि ये फैसला बीजेपी हाईकमान को लेना है, लेकिन उनकी मना स्थिति क्या कह रही है ये उनकी कुमाऊं यात्रा से जाहिर होती है। आपको बता दें कि बनबसा में उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि पार्टी हाईकमान के सामने वो चंपावत से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखेंगे और हाईकमान का जो भी फैसला होगा वही अंतिम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद पहली बार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस जनसभा में विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद थे। कैलाश गहतोड़ी धामी को चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का न्योता पहले ही दे चुके हैं और जनसभा में एक बार फिर उन्होंने वही बात कही कि उन्होंने कहा कि अगर सीएम धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वो सीट छोड़ने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इसके बाद सीएम धामी ने विधायक गहतोड़ी का तहे दिल से आभार भी जाहिर किया और उन्हें ये बात भी कही कि वो इस प्रस्ताव को हाईकमान के समक्ष भी रखेंगे और हाईकमान का फैसला है अंतिम निर्णय होगा। अब देखने वाली बात ये होगी, अगर चंपावत सीट से मुख्यमंत्री सीएम धामी चुनाव लड़ने की बात हाईकमान के समक्ष रखते हैं तो हाईकमान का फैसला क्या होने जा रहा है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।